तब हम लोग घर जाते भाई खत्म मत जा रही बस बहुत सारा का सारा खत्म हो चुका होता है। तो क्या मेरी डिमांड खत्म हुई? नहीं, बट सप्लाई में प्रॉब्लम आ गई। अब सप्लाई क्योंकि प्रोडक्ट की कम हो गई है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे अपने प्राइस को, जिन जिन की शॉप्स बची हैं वहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, आप जान लो चाहे मौके का फायदा उठाएंगे, अपने प्राइस को बढ़ाना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की सप्लाई कम हो गई है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड बॉटलनेक इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से जो डिमांडर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो लोग सफर कर रहे हैं और उनको इन्फ्लेशन को फेस करना पड़ रहा है। इस सिचुएशन को कहा जाता है बॉटलनेक इन्फ्लेशन या स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। लास्ट टाइप है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन ऐसा इन्फ्लेशन होता है जिसमें सारे गुड्स एंड सर्विसेज की कीमतें बढ़ती हैं एक्सेप्ट एनर्जी एंड फूड। फूड प्रोडक्ट्स जितने हैं उनको छोड़कर, एनर्जी प्रोडक्ट्स को छोड़कर, हमारी जो है बाकी चीज़ों को की कीमतें जो है बढ़ जाती है, उसको कोर इन्फ्लेशन कहा जाता है। बट इन जनरल हमारे देश में जो इन्फ्लेशन है वो देखा ही इनसे जाता है, जैसे पेट्रोलियम पेट्रोल वाली चीज़ों से देखा जाता है, ऑयल से देखा जाता है और फूड से देखा जाता है हमारे देश में इन्फ्लेशन। बट ये टर्म आपको करनी है कि कोर इन्फ्लेशन दिखा गया, इसके साथ में इन्फ्लेशन का खत्म नहीं। एक बार देख लो सारे कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। अपना अपना देखना है। डिमांड आने से सप्लाई कम हो गई, जब शॉप्स बंद हो गई तो क्या वो लोग सप्लाई कर पाएंगे? बंद हो गई है ना, सप्लाई तो फॉल कर गई। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही है, दैट इज जब वेजेस लोग बढ़ाने की डिमांड कर रहे थे, इंक्रीज उस इंडस्ट्री के जितने भी वर्कर्स हैं वो सारे के सारे अपने वेजेस इंक्रीज मांग रहे हैं, कोई शॉप तो नहीं बंद हुई ना, बात समझ में आई। और जो दूसरी बॉटलनेक इन्फ्लेशन है उसके अंदर क्या हो रहा है कि सप्लाई ही खत्म हो गई है, कि प्रोडक्ट की सप्लाई ही नहीं हो रही है और बहुत ही लिमिटेड शॉप्स है। हो गया, चले आगे। अगला चैप्टर लिखिए फिलिप्स कर्व। नेक्स्ट चैप्टर फिलिप्स कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल काफी क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं आपसे। ए डब्ल्यू फिलिप्स ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, नोट मत करो पहले बात को समझ लो। फिलिप्स कर्व ने क्या कॉन्सेप्ट बोला, इसने कहा कि वी आर फेसिंग अ ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन रेट एंड बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इस कर्व को कहा जाता है फिलिप्स कर्व। अब ऐसा क्यों है? सेंस लगाओ, जब इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा है, बहुत सारे लोग हैं जो बेरोजगार हैं, उनके पास काम नहीं है, मान लीजिए सिर्फ ये चार लोग वर्किंग हैं, बाकी सब जिन्हें अनएम्प्लॉयड हो, तो जब आप लोग अनएम्प्लॉयड हो आप लोगों से काम करवाने के लिए मेरे को आपको सैलरी जो है ज़्यादा दूंगी मैं या कम दूंगी? कम दूंगी। तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा कम होगा? कम होगा। और अगर बहुत ही कम लोग अनएम्प्लॉयड हैं, मतलब ये सब जिनों को नौकरी मिलती है, सिर्फ लास्ट के तीन लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, तो ऐसी सिचुएशन में इनसे काम कराने के लिए मेरे को उनको सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेगी कम देनी पड़ेगी? भाई ज़्यादा देनी पड़ेगी ना, क्यों करेंगे ये काम? इनको पता है इनमें से कोई भी बीमार हुआ है कुछ भी हो तो इन लोगों को नौकरी मिल जाएगी, दैट इज़ मेरे पास ऑप्शन कम है, तो इस वजह से मुझे उनको सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेगी। जब मैं उनको सैलरी ज़्यादा दूंगी तो इन्फ्लेशन रेट विल इंक्रीज। समझ में आई ये बात? दोबारा बोलूँ, देखो जब इन्फ्लेशन रेट, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा है इकॉनमी में, बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनको नौकरी की आवश्यकता है, तो वो लोग क्या डिमांड करेंगे? वो लोग कहेंगे जी कम पैसे दोगे तब भी हम लोग काम करने के लिए आ जाएंगे। अब जब बहुत ही लिमिटेड लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, कि बहुत ही कम लोग हैं, दो चार लोग हैं जिनको नौकरी की जिनके पास नहीं है, तो क्या वो लोग कम सैलरी में काम करना चाहेंगे? बाकी सबको 10,000 रुपये सैलरी मिल गया पर मंथ, तो क्या दूसरे को जिसको मैं 2,000 रुपये से, दो तीन लोग हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, उनको अगर मैं 2,000 रुपये काम करने को 2,000 रुपये में बोलूँगी क्या वो करना चाहेंगे? नहीं, वो वेट करेंगे ना, इनमें कोई या तो टपक ले या तो बीमार हो जाए या कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमें वहाँ नौकरी मिल जाए आराम से,
तो वो लोग क्या 2000 रुपए में करना चाहेंगे? नहीं, वो लोग यही चाहेंगे कि उनको इनसे इक्विवेलेंट वेजेस मिले, क्योंकि मेरे पास भी ऑप्शन है ही नहीं, वर्कर्स है ही नहीं मार्केट के अंदर जिनसे मैं काम करवा सकूं। तो जो लिमिटेड वर्कर्स अवेलेबल है उनसे मेरे को प्राइस उनको ज्यादा देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा? ज्यादा देना पड़ेगा। तो यही चीज है, जब अनएम्प्लॉयमेंट कम है इकोनॉमी के अंदर तो इन्फ्लेशन रेट विल इंक्रीज। अब बात समझ में आ गई है? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हम लोग एक ट्रेड ऑफ फेस करते हैं बिटवीन इन्फ्लेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कि अगर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, बहुत सारे लोग अगर बेरोजगार है तो इन्फ्लेशन रेट कम होगा, और अगर बेरोजगारी कम है मैं इकोनॉमी के अंदर तो इन्फ्लेशन रेट ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई है? ये कॉन्सेप्ट दिया था फिलिप्स कर्व ने, बट ये कॉन्सेप्ट सिर्फ होल्ड करा था शॉर्ट रन में। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं लिखवाती हूँ। बिल्कुल, अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो लोग जब डिमांड करेंगे लेबरर्स की तो उनको कोई शॉर्टेज नहीं होगी, तो इस वजह से उनको ज्यादा पे करने की जरूरत नहीं, तो इन्फ्लेशन रिस्क कम। कि जब अनएम्प्लॉयमेंट कम है तो लोग डिमांड तो कर रहे हैं लेबरर्स की, बट लोग लेबरर्स है ही नहीं, तो जो लेबरर्स बचे वो लेबरर्स है। अगर मुझे उनको पाना है कि वो मेरे लिए काम करे तो उनको मेरे को उनको सैलरी ज्यादा देनी पड़ेगी। In short run, there is inverse relationship or trade off between inflation rate and unemployment rate. When unemployment rate is high, then inflation rate is less. And when unemployment rate is less, then inflation rate is high. When unemployment rate is less, then inflation rate is high. Full stop. अगले पैरा में लिखिए, in long run. In long run, there is no inverse relationship between inflation rate and unemployment rate. As claimed by Friedman,
as claimed by Friedman, F-R-I-E-D, Friedman, Friedman, as claimed by Friedman, as claimed by Friedman, full stop. According to him, in long run, Phillips curve is vertical shaped. In long run, Phillips curve is vertical shaped. Vertical shape. ऐसा यूके की इकोनॉमी के अंदर देखा गया था, यूके यूएस की इकोनॉमी में देखा गया था। ड्रॉ कर लो फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ।